हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम अंजलि। और मैं हूँ अंजलि। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑयली स्किन के देखभाल के बारे में, कि हम कैसे ऑयली स्किन का रखरखाव करना चाहिए हमें, हम कैसे ऑयली स्किन को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ऑयली स्किन का ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और हमें उसका एक ख़ास ध्यान रखना चाहिए, वरना उसमें बहुत ही जल्दी पिंपल्स, फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं, जिससे कि वो बहुत फिर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। कील, मुहासे, झाइयाँ उसमें बहुत जल्दी होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए, हमें किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी, हम इन्हीं बातों के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों क्लीनिंग के लिए वैसे तो बहुत सारे फेस वॉश, बहुत सारे स्क्रब, बहुत कुछ बाज़ार में उपलब्ध है, कई सारी ब्रांडेड कंपनियों की उपलब्ध हैं, लेकिन बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, खासकर ऑयली स्किन के लिए। आप एक महीने के लिए अपने फेस वॉशेज छोड़ के और बेसन से फेस वॉश करके देखिए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको जब भी फेस धोना है आपको बेसन लेना है और उसमें 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस ऐड करना है, और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके ऐसे पाम पे लीजिए, उसमें पानी मिक्स कीजिए और अच्छे से जैसे हम फेस वॉश को करते हैं थोड़ा इस तरीके से रब कीजिए, और उसके बाद पूरे फेस पे जेंटली हल्के हाथों से इस तरीके से आपको मसाज देनी है, और अच्छे से पूरे फेस पर रब करने के बाद उसको ठंडे पानी से धो लेना है। इससे क्या होगा कि जो बेसन होता है वो ऑयल को खींचता है ना, तो हमारे फेस में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो बेसन उसको बहुत अच्छे से सोख कर लेगा, बहुत अच्छे से खींच लेगा, और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारे फेस से हट जाएगा और हमारा फेस एकदम खिला खिला निखरा निखरा नज़र आएगा। और इसमें जो लेमन हमने जूस मिलाया है वो भी बहुत अच्छा काम करता है ऑयल को काटने का। तो आप एक तो ये ट्राई कीजिए, ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। दोस्तों दूसरी चीज़ आती है टोनिंग। तो हमको बेसन से फेस वॉश करने के बाद टोनर की जरूरत। मार्केट में कई तरीके के टोनर उपलब्ध हैं, कई तरीके के, कई ब्रांड्स के अच्छे अच्छे टोनर उपलब्ध हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट रिजल्ट देता है वो होता है रोज़ वाटर। आप रोज़ वाटर यूज कीजिए और उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कुछ भी वो गलत इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपके फेस पे। आपको रोज़ वाटर लेना है या तो आप अपने पाम पे लेके डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसको कॉटन बॉल में लीजिए और डिप करते करते इस तरीके से आपको पूरे फेस में लगाना है वो, और उसको सूख जाने दीजिए। फिर अच्छे से वो जब पेनिट्रेट हो जाए स्किन में, बहुत अच्छे से बैठ जाए जब स्किन में, जब स्किन उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। आप कितनी भी आपकी ऑयली स्किन हो, कितनी भी एक्सट्रीम ऑयली स्किन हो, बट आपको मॉइस्चराइज़र कभी भी स्किप नहीं करना है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप मॉइस्चराइज़र को कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि होता क्या है कि जब हम मॉइस्चराइज़र को स्किप करते हैं ये सोच के कि हमारी स्किन में तो वैसे भी इतना ऑयल आता रहता है तो हम मॉइस्चराइज़र लगा के क्या करेंगे, हमें मॉइस्चराइज़र की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी स्किन को क्लीन करने के बाद, टोनिंग करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो ड्राई हो गई है अभी धोने के बाद, टोनिंग के बाद, तो उसको मॉइस्चर मिलना ज़रूरी है। अगर आप उसमें मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे तो स्किन अंदर से ऑयल प्रोड्यूस करेगी और ज़्यादा, तो इससे आपको और ज़्यादा ऑयल आएगा फेस पे। तो इसलिए आप मॉइस्चराइज़र स्किप ना करें, आप मॉइस्चराइज़र हमेशा लगाएं, भले ही आप थोड़ा सा लगाएं लेकिन आप लगाएं, और आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स ना लगाएं, आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स लगाएं या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स लगाएं, जो आपके लिए काफ़ी बेटर होंगे, आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आती है कि हम जब भी मेकअप करते हैं तो हम कभी कभी आलस में डाल जाते हैं कि मतलब रात में सोने से पहले मेकअप निकालते नहीं है, तो आप ये गलती कभी ना करें, क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है उसके
लार्ज पोर्स होते हैं और उनमें कोई भी हम केमिकल बेस्ड मेकअप लगाते हैं तो फिर वो अंदर तक चला जाता है। इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेकअप हम जब भी करें तो उसको रात में सोने से पहले ज़रूर निकालें, इस बात का हमेशा याद ध्यान रखें। और मेकअप निकालने के लिए आपको कोई भी महंगे मेकअप रिमूवर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेबी ऑयल से नॉर्मली कोई भी बेबी ऑयल ले लीजिए, जॉनसन्स का ले लीजिए या फिर हिमालय का ले लीजिए, आप कोई भी बेबी ऑयल लीजिए, उसको पाम पे लीजिए और अच्छे से अपने फेस की उससे मसाज कीजिए, पूरे फेस पे सर्कुलेशन सर्कुलर मोशन में आप उसको घुमाइए, इससे आपका सारा जो भी मेकअप होगा वो उस ऑयल के अंदर आ जाएगा। और उस ऑयल को कॉटन बॉल से पोंछने के बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिए वही बेसन के साथ, तो आपका जो भी ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा। उसमें लेमन ऐड कीजिए आप थोड़ा ज़्यादा, तो सारा ऑयल उससे लेमन काटता है ऑयल को, तो उससे सारा ऑयल निकल जाएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। इसके बाद लास्ट में बारी आती है फेस पैक की, तो जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं मिट्टी के मास्क, क्ले मास्क। तो इसके लिए मुल्तानी मिट्टी सबसे बेटर है, सबसे अच्छी है, हमारे इंडिया में बड़ी आसानी से मिल जाती है कहीं भी और बहुत सस्ती होती है। आपको करना क्या है कुछ भी नहीं, बस बाज़ार से मुल्तानी मिट्टी लेके आनी है, आप उसको अच्छे से सुखा के और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए, उसके पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसके बाद उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए, तो इससे वो बड़ी आसानी से ही बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगी। और उसको आप किसी कंटेनर में भर के रख लीजिए, और उसके बाद आपको जब भी फेस पैक लगाना हो तो आप बस उसमें से एक दो चम्मच लीजिए और लगा लीजिए। आपको मैं एक फेस पैक बताती हूँ, आपको मुल्तानी मिट्टी के अंदर 1 स्पून कर्ड मिक्स करना है और थोड़ा सा लेमन मिक्स करना है। ये फेस पैक आप 7 दिन में 2 बार लगा सकते हैं, आप इसको लगाइए, इससे आपका ऑयल बहुत कंट्रोल हो जाएगा, आपकी स्किन ऑयली से धीरे धीरे कॉम्बिनेशन हो जाएगी अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हो तो। और इससे बहुत ही अच्छा सा एक निखार आएगा आपके फेस में, टाइटनेस आएगी, ऑयल कम होगा और आपकी रंगत बहुत निखर जाएगी। तो आप ये करके देखिए, यकीन मानिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और आप अगर मेरे टिप्स फॉलो करते हैं तो आप वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगे, आपका क्या इफ़ेक्ट किया आप पर मेरे टिप्स ने। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।